जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक सरप्राइज भी आप सबके लिए आने वाला है जो कि बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि वो सरप्राइज उठा बहुत लेट है। मेरी बात हुई थी उस सरप्राइज से, बट वो बहुत लेट उठा है। हेलो, हाय, कैसी हो? कैसा, क्या बोलते हैं, कैसा, कैसी हाय? कितना परेशान किया तुम लोगों ने मुझे वहां पर। हाँ, हमने परेशान किया, तुमने तो हमें परेशान किया ही नहीं है। मैं क्या परेशान करूंगी, मैं कितनी अच्छी बच्ची हूँ। हाँ हाँ, बहुत। हाय रश्मि, हाउ आर यू? रश्मि इज़ आल्सो हियर। हेलो देसाई, आ गई? हाँ, तुझे क्या लगता है बिग बॉस में रहेगी, वापस नहीं आएगी? अरे पता है, मुझे नहीं पता, वो इधर, अरे तेजू भी बोल रही है, हाउ स्वीट, देखा, आई लव यू रश्मि, आई लव यू। कितना देखो, मुझे भी बोल रही है वो। फाइन, व्हाटएवर, पर तेजू पहले बोला। तो हाँ हाँ, तेजू पहले बोला। यार तुम्हारा पता है सब कितना वेट कर रहे हैं, कितनी देर से सब बेचारे लाइव है, तुम पता नहीं कहाँ पे हो। एक तो मुझे तूने बताया कि मुझे लगा कि मैं सरप्राइज, हाँ मुझे लगा, हाँ तो तुझे भी तो सरप्राइज देना था ना। मैं सबको ये सो रही थी, हम सब वेट कर रहे थे और ये सो रही थी, क्योंकि मैं सुबह की 5 बजे तक बहुत ज्यादा किल कर रही थी। क्या किल कर रही थी तुम बताओ? तुम लोगों ने मेरी स्टोरी नहीं देखी? अरे सब जाओ तेजस्वी की जाके स्टोरी देखो सबसे पहले। क्या थी स्टोरी? मैंने लेगो का आयरन मैन बनाया हुआ है सुबह 5 बजे तक। इसका तू जागती है सुबह 5 बजे तक? तुझे तो नींद आ जाती, मैं सो रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। मैं 6 बजे तक कल, मतलब मैं 6 बजे सोई आफ्टर डूइंग अ वेरी इम्पोर्टेंट वर्क। हाँ, मैं 5 बजे तक मेरे लेगो का ये कर रही थी, आयरन मैन। तूने मेरी स्टोरी क्यों नहीं देखी? सॉरी, अभी देखता हूँ तेरी स्टोरी जाके। मैं सो, नॉर्मल बंदा सो जाता है ना, मैं सो गया था 2-3 बजे तक, 5 बजे तक नहीं जागा हुआ था। पर आप क्यों सोते हो? अभी तो आपको उठ के काम भी नहीं करना है। डोंट स्लीप ऑन टाइम, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, डोंट स्लीप ऑन टाइम। कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताओ, खतरों के खिलाड़ी की जर्नी बहुत अच्छी थी। मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी, मुझे मुझे बहुत ज्यादा डर था जर्नी जब भी चल रही थी। और यार मैं ना एक बात सबको बताता हूँ, एक बात सबको आज बताता हूँ, तेजू किसी भी स्टैंड से पहले शिविर मैं कर लूंगी ना, हो जाएगा ना मेरे से, नहीं होगा ना, वो ज्यादा अच्छा कर रहा है ना, मैं नहीं कर पाऊंगी ना। और सारे स्टंट जाके जीत के आती थी, मतलब किसी ने अगर 2 मिनट में किया है तो ये 50 सेकंड में 40 सेकंड में करके खत्म कर देगी। ज्यादा हंस मत। और आप देखना, इसका ना एक रेड फेवरेट है, हम कहते थे ये ना कुछ जादू वादू करके लाई है, एक इसका रेड आउटफिट होता था वो पहन के हमेशा जीतती थी। नॉट बट डिजर्विंग, बट डिजर्विंग, एनीथिंग एनीथिंग रेड, एनीथिंग रेड। तो इसका एक लकी लकी कलर था रेड। या आई यूज, पर वो भी आई, मुझे पहले ऐसे लगता था, अभी तो मुझे नहीं लगता कि वो लकी है। क्यों, ऐसा क्यों नहीं लगता है? नहीं नहीं, वो लकी था, एंड आई एम श्योर आप देखते रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो कितना लकी था और कितना हमेशा जीतती थी। एंड थैंक यू तेजू, तूने मुझे बचा लिया, चूहों से बचा लिया। तो जिसको नहीं पता मैं उसको बता देता हूँ, मुझे चूहों से बहुत ज्यादा डर लगता है। जो भी आपने मेरे लास्ट अवार्ड देखा था वो चूहों के लिए था, और आगे भी मेरा डर आप देख सकते हैं। बट तेजू ने मुझे जो सबसे बड़ा स्टंट था उससे बचा लिया था, एंड शी सो स्वीट, उसने खुद का सैक्रिफाइस करके खुद वो उस कॉफिन में गई जिसमें बहुत सारे चूहे थे, एंड उसने मेरी जगह वो स्टंट किया। थैंक यू तेजू। तूने वो टेलीकास्ट देखा? हाँ देखा मैंने। तूने देखा मेरे ऊपर कैसे चूहा ऐसे सब घूम रहा था इधर चेस्ट? मैं वहाँ पे भी देख रहा था और मैंने टेलीकास्ट में भी देखा। इस लड़की ने कर कैसे लिया, मैं तो मैं यही सोच रहा था। और ऐसे मेरे पेट और पैर पे घूम रहे थे दो तीन। मैं सच बताऊं, तेजू ने सारे स्टंट बहुत अच्छे किए, बट इनफैक्ट सभी लड़कियों ने इस बार खतरों के खिलाड़ी में, तेजू, करिश्मा, अमृता, मलिश्का, रानी, अदा, इन सब ने ना मेरा परसेप्शन ही बदल दिया। मुझे लगता था कि यार खतरों के खिलाड़ी एक ऐसा शो है जहाँ पे लड़के स्ट्रांग होंगे या लड़के फिजिकली ऐसा आपको देख के लगता है ना कि ज्यादा स्टंट्स कर सकते होंगे या ज्यादा डेयरिंग हो गए होंगे, बट सब उल्टा हो चुका है। हम सब पानी भर रहे थे और इन लड़कियों ने सारी बाजी मार ली। पानी भर रहे थे?
अरे कुछ नहीं भर रहे थे यार, सॉरी मुहावरा था, गलती से बोल पानी दिया। क्यों भर रहे थे? अरे पानी आजकल है नहीं ना, भरना पड़ता है। पानी ला, मैं पानी भर रहा हूँ आजकल, शॉर्टेज है ना हर चीज की। हाँ पानी की कहाँ से शॉर्टेज है, कुछ भी पानी की शॉर्टेज, पानी की भी शॉर्टेज है यार। मुझे नहीं 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 कोई खाने की शॉर्टेज होने वाली है, क्योंकि पता है मैंने कल क्या किया, मैं कल ना सब्जी बना रही थी। ओके हाँ, अरे हाँ ये कुक भी बहुत अच्छी है मेरे लिए, आज तक इसने कुछ नहीं बनाया, बोलती है बनाऊंगी। हाँ ठीक है बनाऊंगी बनाऊंगी, पर मैं कल खाना बना रही थी। अब हाँ। मुझे पता है कि टमेटोज तो ज्यादा दिन तक रख नहीं सकते, तो ऑब्वियसली मैं तो स्मार्ट हुई, तो मैं गई, मैंने सोचा मैं टमेटो प्योरी बहुत सारी खरीद के रखूंगी, बिकॉज प्योरी हैज लाइक मोर एक्सपायरी डेट का मतलब टाइम, ज्यादा टाइम तक यूज कर सकते हैं। तो मैं ऑब्वियसली गई मैं दुकानों में, ऑब्वियसली आई वाज लाइक कि प्लीज टमेटो प्यूरी, टमेटो प्यूरी किसी के पास नहीं है। अच्छा टमेटो प्यूरी किसी के पास, देयर इज नो टमेटो प्यूरी किसी के भी पास नहीं, तो प्लीज अगर आपके पास है तो मुझे भेजिए। प्लीज अगर आपके पास है तो किसी को कुछ मत भेजिए, पोस्ट ऑफिस तक भी मत जाइए, कहीं सेंड भी नहीं कर सकते, घर पे रहिए अपने। आई करोना के क्या कर रही है, हाउ डू यू स्पेंड योर डे? आई मेक लेगो, ओके आई कुक, आई ओके और ये मेरा थंबनेल इतना ही दिखा सकती हूँ, आगे के पार्ट पे मैंने टाल रखा हुआ है, और ये मेरा हुला हुप भी है, वो भी नहीं देखना है। तो मेरे रूम में आई हैव लाइक अ पुल अप चिन अब्बा, आई हैव अ ट्रेडमिल, आई हैव अ हुला हुप, आई हैव अ तू डाल नहीं रही ऐसे अपनी फिटनेस फिटनेस वीडियोस नहीं डाल रही? नहीं क्योंकि आप अगर लेजिट जेन्युइन वर्कआउट कर रहे हो तो आप कितने गंदे दिखते हो, तो बेसिकली आई डोंट थिंक आई कैन पुट अप अ वीडियो लाइक दैट, बट ठीक है आई विल। मुझे चैलेंज किया हुआ है किंशुक ने, यार बहुत टफ चैलेंज है वो, मुझे अभी करना है। हाँ, बोल बोल, मैं तो कर नहीं पाऊंगी, कितना मुश्किल चैलेंज है मेरे से, पता तो होगा नहीं। चैलेंज बकेट आधी भरनी है और अपनी टांगों पे रखनी है और दोनों हाथों में बॉटल्स पकड़नी है और क्रंचेस करने हैं और बॉटल्स में बकेट पूरी भरनी है, समझ गया? हाँ बहुत अच्छा चैलेंज है, जिंदगी में कभी मुझे कभी बनती हो। अब मैं करके तुझे ही टैग करूंगी। मुझे मत टैग, मैं ये सब चैलेंज वैलेंज बिल्कुल नहीं करता हूँ। मुझे दिन में इतने सारे चैलेंजेस आते हैं, क्या नहीं आता? तू चैलेंज की बात तो दूर, तू मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता, तू कौन सा बड़ा मेरी चैलेंज करने वाला है, पर मैं फिर भी तुझे टैग करूंगी ताकि तेरी बेइज्जती और सबको पता चले कि तेजस्वी ने शिविन को टैग किया और शिविन ने नहीं किया। देख ऐसे ना, ऐसे लाइव पे सारी बातें नहीं करते हैं, जो भी है सॉरी लाइव है ना हम लोग। हाँ लाइव, भूल गई थी। यू आर वेरी हैंडसम शिविन बोल रहे हैं, पता नहीं। हाँ बोल रहे हैं तेजू, यू आर वेरी स्वीट, योर स्माइल इज वेरी नाइस, और भी कुछ कुछ लिख रहे हैं। मुझे ना लाइव इतना अच्छा आता नहीं है, मैं दूसरी तीसरी बार लाइव आया हूँ। मैं भी सेम है ना, अगर हम आपस में भी बात करें ना तो फिर भी वो उनको अच्छा लगता है, है ना? हाँ एक्चुअली हाँ, ज्यादा ऐसे फॉर्मल होके बात करो तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है मेरे लिए भी, मैं भी देखता रहता हूँ कोई ना कोई। तू दिन भर क्या करता है? मैं दिन भर क्या करता हूँ, मैं उठता हूँ, खाता हूँ, कुछ टीवी देखता हूँ, फिर कुछ खाता हूँ, फिर बुक पढ़ता हूँ, फिर नहीं सोता रात को ही, फिर उसके बाद शाम को कैसे टाइम पास के लिए थोड़ा सा ऐसे खुद को अच्छा लगे कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ऐसे वर्कआउट करने की कोशिश करता हूँ घर पे, फिर कॉफी पीता हूँ, फिर नेटफ्लिक्स देखता हूँ, फिर आजकल हाँ मैं एक नई चीज कर रहा हूँ, मैं बर्तन धो रहा हूँ आजकल। हाँ। जिंदगी मैंने कुछ काम तो किया नहीं है, तो मैं सोचा चलो इतना सा काम कर लो, कि मॉम की हेल्प की जाए। बट एक चीज मैं सबको ये भी बोलना चाहूंगा कि प्लीज प्लीज प्लीज, आजकल सब मम्मीज के ऊपर या घर पे जो भी लेडीज है उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ गया, क्योंकि हम सब घर पे रहते हैं, खाते रहते हैं, तो आप प्लीज जो भी हेल्प कर सकते हैं जाके अपने घर पे थोड़ी सी हेल्प करो। मुझे तो ऐसा लगना शुरू हो गया था यार, ऐसे यार कुछ तो कर ले, शिविन खाता ही रहता है घर पे बैठा, खाता ही रहता है, कुछ तो कर ले। पापा तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए मुझसे, बिकॉज बर्तन का डिपार्टमेंट डैड का है और मैं खाना पका रही हूँ, तो बेसिकली आई एम लाइक अ मास्टर शेफ, यू नो, तो मैं ना ऐसे एक बार चम्मच यूज किया तो नेक्स्ट, एक बार प्लेट की नेक्स्ट नेक्स्ट, तो मेरी एक डिश में लाइक 20 बर्तन निकलते हैं, एंड माय डैड इज सो फेड अप ऑफ मी दैट नहीं तू खाना नहीं बनाएगी, मुझे बर्तन धोने पड़ते हैं, तू खाना नहीं बनाएगी। ये जब भी कुछ बनाती है ना मुझे ऐसे फोटो भेजती है, मैं ये बना रही हूँ वो बना रही हूँ, कभी कुछ खुद
बना के भेजा नहीं है या बुलाया नहीं कि आओ कुछ खाओ? अब नहीं, अभी मैं इनवाइट करूं भी तो तुझे नहीं आना है, है ना? हाँ एक्चुअली अभी तो कोई इनवाइट करे तब भी नहीं जाना है, बट हाँ खाना खाना तो बना के ऐसे भिजवा नहीं, भिजवा भी नहीं सकते, तो डिलीवरी भी भिजवा भी नहीं सकते, देखा? बट यू नो आई कांट जस्ट लुकिंग एट दिस, बट ऐसे में जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तुझे ऐसे कोई क्रेविंग हो रही है कुछ खाने की, जैसे कुछ मुझे पिज्जा खाया जाए? मुझे पिज्जा खाने का बड़ा मन कर, क्योंकि घर पे कल पानीपुरी बनी थी, परसों पाव भाजी बनी थी, और मैं मोमोज बना रही हूँ घर पे। चलो बल्गेरिया चलो, कुछ खा के आते हैं वहां से। सुशी भी तो तेरी फेवरेट है? सुशी, हाँ सुशी भी घर पे नहीं बना सकती, मतलब नहीं आता है मुझे, और पिज्जा घर पे मैं बना सकती हूँ बट नॉट रेस्टोरेंट स्टाइल, तो पिज्जा सुशी आई थिंक आई एम मिसिंग पिज्जा एंड सुशी। या हम उसे मिसिंग, पता नहीं क्या क्या, अब तो ना सब हर चीज अच्छी लगने लग गई है, अब ऐसा लग रहा है गुड गुड ओल्ड डेज। हाँ रियली नाउ इट्स लाइक कितनी सारी चीजें हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना, और अब तब जैसे कि नीचे जाए और सारी चीजें इजीली अवेलेबल नहीं है, लाइक द मोस्ट बेसिक थिंग्स, ऐसे लगता है कि यार मतलब कभी सोचा नहीं था कि इसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, लाइक जस्ट बेसिक टमेटो प्याज, और इसके लिए मतलब लोग ऐसे भाग रहे हैं। एंड स्पेशली फॉर अस मैक्सिमम ये होता है ना कि अगर हम शूट पे रहते हैं तो ऑक्यूपाइड रहते हैं, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, कोई ना कोई होता है देखने के। मुझे पता है तेजू नहीं रही तो हम भी जा रहे हैं। Cool down, temperature check, it is too hot to scan. Hi, Garmi. Something like that. Hi, Garmi. Ji, kya dance karte hai na? Ji, haan, D bhai bahut acha dance karte hai. Main aur D bhai to... Mujhe sapna aaya tha, pata hai aaj? Kiska? D. D ka sapna aaya tujhe, kya ho raha tha sapne mein? Kya matlab, kya bol rahe the D bhai? Yaad nahi mujhe, par mujhe pata hai, itna yaad hai ki maine unka sapna dekha. उनका सपना देखा, ठीक है आज बात करते हैं। दीवा शायद गोवा में, उनका गोवा में घर है, शायद वहाँ पे गए हैं। I know, I spoke to him, और उनको दो दिन में आना था पर अब तो वो नहीं आ पाएंगे। वो नहीं आएंगे, but it's good ना वहाँ पे हैं, कम से कम गोवा हम सोचते हैं। अब पता है हर जगह जाने का मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है वहाँ घूमने चले जाओ, यहाँ घूमने चले जाओ। I swear, मैम, पर गोवा में वैसे भी केसेस बहुत कम है, राइट? मैं तब पढ़, सच बताऊं मैं ना इसके बारे में कम से कम पढ़ रहा हूं, बस मुझे इतना पता है कि घर रहना है, बट हां केसेस कम है। आई गेस इंडिया में हमने इतने प्रॉब्लम इंक्रीज इन गोवा, क्या चीज? हां इट्स गुड, नाइस चिलिंग वहां पे। हां पर यार जो भी है यार, जो भी गोवा में भी हो, मास्क पहन के जाओ और हैव फन। कल तूने मेरी इमरजेंसी लुक देखी, दूध लेने जब जा रहा था, ऐसी कैप पहन के, पहन के हाथ से जो पहन के, कैप वो बालों की वजह से ना? हाँ बालों की वजह से, क्योंकि कहते हैं बालों से भी अगर कोई भी चीज होती है तो बालों में सबसे ज्यादा, हॉस्पिटल्स में देखोगे ना तो कैप पहन के रखते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस सबसे ज्यादा बालों से ट्रांसफर हो सकता है। लोग बहुत डरे हुए हैं यार, आई एम ऑल्सो रियली, पर अभी चाइना से लॉकडाउन हटाया गया है, तो इट्स इन कंट्रोल, बट थिंग्स इन यूरोप एंड द स्टेट्स आर ओनली गोइंग बैड। वी कैन जस्ट प्रे यार, इट्स वेरी सैड एंड वेरी स्केरी टू सी ऑल दैट, बट आई गेस वी ऑल कैन प्रे, एंड हम एक उनसे वो ले सकते हैं, एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर वहां पे ऐसी चीजें हो रही हैं तो हमें तो और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, एंड इट्स वेरी गुड दैट पीएम साहब ने भी बोल दिया है कि घर पे रहो, एंड बहुत जल्दी मेजर्स लिए हमने कंपेयर टू अदर कंट्रीज, तो इट्स अ गुड थिंग। आई जस्ट होप, आई जस्ट होप सारी चीजें ठीक हो जाएं। नहीं नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर तब तक सबको ये बोल सकते हैं कि घर पे बैठो, कल और परसों हमारा खतरों का खिलाड़ी आना है, तेजू के खतरनाक खतरनाक स्टंट्स आने हैं, सो सबके खतरनाक स्टंट्स आ रहे हैं, सबके खतरनाक स्टंट्स आ रहे हैं। हां मैं अभी चली गई थी तो तूने मेरी स्टोरी देखी तब तक? अच्छा सॉरी, नहीं मैं बाकी सबको हेलो हाय करने में थोड़ा सा बिजी था, मैंने अभी स्टोरी नहीं देखी, रुक मैं तेरी अभी स्टोरी देखूंगा, जैसे ही फोन रखूंगा या लाइव बंद करूंगा सबसे पहले तेरी स्टोरी देखूंगा, उस पे कमेंट करूंगा,
कि वाओ तेजू वाओ एंड हैप्पी गुड़ी पाड़वा, बहुत क्यूट लग रही थी वो ऐसे लास्ट में पहना था, बिलेटेड हैप्पी गुड़ी पाड़वा, उसको क्या बोलते हैं वो जैसा पहना था, नथ बोलते हैं, तो वो खाली तभी पहनती है कि जनरली पहनती है, सिर्फ तभी गुड़ी पाड़वा वाले दे, होता क्या गुड़ी पाड़वा में थोड़ा सा मुझे बता। बेसिकली महाराष्ट्रियंस का न्यू ईयर होता है ओके, और गुड़ी होती है जो ऐसे एक बैम्बू की स्टिक होती है okay. और उसपे ऐसे कलश होता है, साड़ी पहनाई जाती है और बहुत सारी चीजें होती है, अमृता ने किया हुआ है वीडियो में। अच्छा, गुड़ी और वो अपने घर के बाहर लगाते हैं okay. और बेसिकली इट्स अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी और हाँ it's my new year basically, it's your new year, happy new year, happy gudi padwa, हमारे new year ईस्ट पे क्या करते हैं कि 31st को कहीं बाहर घूमने जाते हैं, वहाँ बहुत पार्टी करते हैं। सोफिया में शूट कर रहे थे बल्गेरिया की जो कैपिटल है, उससे 7th को 6th नाइट को एक्चुअली हम उससे थोड़ा दूर गए थे एक्सटेंट लोकेशन पे, वहां पे रात को एक डिनर टाइम पे मुझे एक सरप्राइज मिला, इन सब ने मेरे लिए केक ऑर्डर किया था एंड हम सब ने मिलके पूरी खतरों की टीम ने कास्ट एंड क्रू एंड एवरीवन हम सब ने केक काटा, फिर तेजू आई बाद में, अरे तेरा बर्थडे आज, मुझे तो पता ही नहीं था, फिर हमने दोबारा छोटा छोटा सा केक काटा, बस फोटोज भी है शायद मैंने पोस्ट की थी ऐसे क्यूट सी, ऐसे मैंने वो पकड़ा हुआ है हैप्पी बर्थडे शिवन लिखा था। हाँ, तो हमने मेरा बर्थडे मनाया, इट वाज रियली वेरी स्वीट एंड एक बहुत अच्छी बात क्या लगी कि इस बार खतरों में ऐसा नहीं लगा कि हम कुछ ऐसे एक दूसरे से कम्पीट करने गए, इट वाज लाइक हम सब अपना अपना एक एक्सपीरियंस लेने आए हैं, इट वाज लाइक अ फैमिली, तो वो देख के बहुत मजा आया, इट वाज एवरीवन वाज सपोर्टिंग ईच अदर, मतलब अभी भी अगर देखा जाए टेलीकास्ट में दिख ही रहा है वो। हां एंड तेजू तो हमारी कैप्टन है, कैप्टन ये मैं बोल रही हूँ ना, बोल रही हूँ तो वाले टास्क में मैं देख रहा था तो डांटे ही जा रही थी, अरे नीचे डाल नीचे डाल नीचे, कौन से वाले में वो पानी वाले में जब मैंने तेरे ऐसे ऊपर नहीं वो करना था, वाटर वाला टास्क था जिसमें जीते थे हम, वो वाला, वो मुझे पता है पर मैं नहीं डांट रही थी, मैं सिर्फ डाल बोल रही थी और बाकी सब डांट रहे थे तुझे करिश्मा। अरे था क्या नीचे का? नीचे एक ना रॉड थी जिसमें से इसको निकालना था, स्क्रू, जो स्क्रू निकालना था, एक रॉड थी, तो जब मैं ऐसे नीचे कर रहा था तो मुझे लग रहा था तेरे सिर पे ना लग जाए वो, I know. जो रॉड थी आई थॉट तेरे सिर पे ना लग जाए, मैं थोड़ा सा धीरे कर रहा था वो वाला, I know. मुझे बाद में समझा कि तूने इस वजह से किया होगा, पर तभी मेरे साथ क्या हो रहा था कि मैं अंदर पानी के अंदर मैं सांस नहीं ले पा रही और मेरे सांस रोकने का फायदा नहीं हो रहा क्योंकि मेरे हाथ नहीं पहुंच रहे स्क्रू पे, क्या था वो आप लोगों को पता है, वो सांप बलराज के नहीं बता सकते ना, क्यों नहीं प्रोमो में आया बता सकते हैं, सब बता सकते हैं, बलू पाजी को प्यार हो गया है, मैंने अभी देखा उनका शो, हाँ कौन सा मुझसे शादी करो, अरे अभी बलू पाजी से तेरे से पहले अभी उनसे वो कर रहा था मैं, मतलब वो एकदम मुझे दिखे तो उनसे लाइव किया मैंने 2 मिनट, उनका शो देखा हुआ है, उनको किसी उस शो की अंकिता से प्यार हो गया है, हाँ वो बोल रहे दो सांप थे बलराज भाई, आपकी पर्सनल लाइफ की बातें चल रही है, बलराज भाई नीचे लिख रहे हैं दो सांप थे, बलू पाजी लिख रहे हैं, अरे क्या बलराज पाजी बड़े प्यार व्यार कर रहे हो, सना से प्यार हो गया आपको, नहीं नहीं सना से प्यार नहीं हुआ उनको, गए तो सना के लिए थे ना, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, चलो अच्छा है, ओए मुझे शिविन से, ओए मुझे शिविन से प्यार है, हाँ मेरे से तो प्यार है ही और तेजा से प्यार है, वी लव यू पाजी, बट वहाँ पे क्या क्या प्यार कर रहे थे, बट वहाँ पे क्या क्या कर रहे थे,
नहीं वहां पे भी बहुत स्वीट थे, वो बहुत रियल थे, मैंने देखा. मैं सब सबका शो, मैं तेरा भी देखती हूँ, मैं बलू पाजी का भी देखा मैंने. मतलब जो भी जिन जिनको जानती हूँ, अगर उनका शो टीवी पे आए तो आई नेवर चेंज द चैनल, एंड आई रियली ऑलवेज वॉच. जब जब तू बिग बॉस पे गई थी, वो कौन सा तूने वो चूहे वाला स्टैंड किया था, कुछ कुछ ऐसे उठा के डालने वाला देखा चपैक था? उठा के हाँ, उठा के डाला, मेला अच्छा उसके हुआ, डाला, उठा के मेला अच्छा डाला. हुआ, अच्छा हुआ, मैंने सोचा अच्छा हुआ मैं वहां पे नहीं गया, मैं वहां जाके अबॉर्ट कर देता, जाके गेम में वहां नहीं कर पाऊंगा. नहीं, वहां वो ऑप्शन नहीं था. वहां तो बेचारे बिग बॉस कंटेस्टेंट्स को अबॉर्ट करना था. शहनाज तो किया ही नहीं, शहनाज की जगह पे बलूपाजी ने किया. दैट्स सो स्वीट, दैट इज सो स्वीट. हाँ हाँ, एक मैंने नोटिस ही नहीं किया शहनाज के लिए उन्होंने किया. मतलब उनको शहनाज तभी पसंद थी इसलिए पहले किया. वही वही बिग बॉस भी प्यार हो गया था बल्लू बाजी को. तेजू ओ माय तुझे लोग बोल रहे हैं गॉड, बिग बॉस में आना है आपने इस बार. सुन, तू बिग बॉस में जाएगी ना इस बार? तू आएगा ना? हाँ, जाने वाली है तू? ये तू सब जाने लिख रहे हैं वाला है? फैंस तेरे नीचे. तू जाने वाला है? हाँ, मैं तेरे से मिलने आऊंगा. हेलो हाय कैसी है, तब तक सब बाकी लोग पागल हो जाएंगे. आ ला 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 ला. हाँ प्रिका, नहीं, मुझे ऐसा मुझे कोई नहीं है. टैलेंटेड गर्ल बुला रहा है, देखा. हाँ, और और तभी ये तुझे एटीट्यूड दिखा रही फेरी तू ऐसे प्लीज, टैलेंटेड गर्ल नो से बुला बीबी, रहा तू. फेरी तेजा हॉलिक. मेरे फैंस बोल रहे नो 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 बिग बॉस फॉर मी. यू आर बोथ लुकिंग नो कपल. बिग बॉस फॉर यू. हाँ ये वहां पर लिखी दिखा है. अब बड़े सारे कमेंट्स आ रहे हैं यार. मैं लाइफ का ना तुझे सिखाना पड़ेगा, मुझे कुछ ज्यादा आता नहीं. तू गाना भी तो गाती है, कोई अच्छा मेरी गाना तो मेरी सुना दे. दोस्त मनीषा ने मुझे मैसेज किया हुआ है, क्या बोलती मनीषा? अच्छी लग रही है लाइव में. ये हाय मनीषा, हाय मनीषा. तेजा तेजा इज सो इंटेलिजेंट, दीपक लिख रहा है कोई. हे दीपक, थैंक यू. रीपक, कोई दीपक आपका फैन लिख रहा है. अच्छा, तेजा इज सो इंटेलिजेंट. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. लव यू मैम, यू आर द रियल खतरों के खिलाड़ी. ये तो मैं भी कहूंगा, हमारी रियल खतरों के खिलाड़ी है तेजू. हाँ, श्योर श्योर. हाँ, श्योर यार, श्योर. ये चीज तीन लोगों में क्यों नहीं कर सकती, चार पांच लोगों में करते. पता है यहाँ पर तू, मैं, बलूपा जी, अदा, सब होते, सब होते ना. हाँ कितना मजा आता. हाँ ये पता नहीं, मुझे तो आइडिया नहीं है कितने लोगों में कर सकते हैं, बट मुझे बलराज ने बताया कि दो यार लोगों हमें में ही कर बोला जा सकते रहा हैं. है तो सीख लो भाई इंस्टाग्राम. अरे सीख ही रहे हैं यार, पढ़ रही है अब ये जो क्वारंटाइन टाइम है इसमें सीख ही रहे हैं. हाँ अभी कुछ और काम नहीं है अभी कोई काम नहीं है. आप सब तो, आप सबको तंग करेंगे, आप सबको बोर करेंगे हम, है अब ना? 45 मिनट से लाइव चल रहा है, इतना लाइव कोई नहीं करता. दस अब पंद्रह मैं 10-15 मिनट ही रहते हैं. हाँ चल ठीक, तो ठीक है फिर, मतलब बंद कर देना हाँ, चाहिए, अब है ना? तूने मुझे इनवाइट किया तो तू अच्छे अच्छे से. Thank you, Tejasvi, for joining with us. It was lovely chatting with you, and we feel blessed to have you on this Thank live. you, thank you, thank you, Tejasvi Prakash. Thank you so much for coming live. It was wonderful. आपके साथ बहुत मजा आया. Thank you, so sweet. आप बहुत sweet हैं. आप बहुत talented हैं. आप खतरों के खिलाड़ी में बहुत अच्छा खेल रही हैं. बहुत मजा आ रहा है. बहुत intelligent हैं. बहुत sweet हैं. बस Instagram live बस सीखना पड़ेगा. हाँ हाँ बस इंस्टाग्राम लाइव सीखना पड़ेगा, वो आप सीख ही रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं. तो अभी हम सब चलते हैं, ठीक है? जी सबको जी, बाय जी, कह देते हैं जी. थैंक यू, बाय, थैंक यू, बाय बाय, बहुत सी यू. मजा आया शिविन यस नारंग, आपने मुझे लाइव पे इनवाइट किया एज अ सरप्राइज एलिमेंट. थैंक यू सो मच. ठीक है, एंड आप सब कल देखिएगा खतरों के खिलाड़ी 9 बजे कलर्स पर. तब तक हम चलते हैं, बाय. और अपने फेस अपने से हाथ हाथ धोइए, फेस पे हाथ मत लगाइए. मैं हाथ धो चुका हूँ, मेरे पास सैनिटाइजर भी है, देखिए. मेरे घर पे सैनिटाइजर मैं अपने पास नहीं रखती, मैं घर मेरे वॉशरूम में जाके हाथ धोती रहती. इट्स वेरी गुड, अपना घर पे रहिए, मजे करिए, तेजू एंजॉय, हम बात करते हैं बाद में. यस ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बाय 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 बाय.